एडीआर का रिपोर्ट है, आज देश में सबसे ज़्यादा मामले महिलाओं के विषय में अगर किसी पार्टी के नेताओं पर है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर है, तो वो भाजपा के लोगों पर है। केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री की चुप्पी जो है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। भाजपा के जो सांसद हैं इस राज्य से, मैं उनसे भी कहती हूँ कि ये आदिवासी बहनों का मामला है, आप उनका वोट लेकर के आज सदन में बैठते हैं। अगर हम देश के जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है इस समय पर मणिपुर की बात करें, लगभग 80 से 100 दिन से वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इस बीच कितनी बार की, लेकिन मणिपुर की बात नहीं की। मणिपुर की घटना पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, कहा कि देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान का जब घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वह देश की रक्षा क्या करेगा। उनके साथ महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। मैं एक न्यूज क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए होंगे। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था, उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया, आज भारी मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है, लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप लोगों के बीच है। करीब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन वहाँ 3 दिन अमित शाह जी होकर के आए, वहाँ पर दबाव जब पड़ा तो मीडिया और सोशल मीडिया खास करके जो प्रतिबंधित है वो कुछ वहाँ जाने की शुरुआत किए, और सिर्फ एक वीडियो आया है जिससे पूरा देश हिल गया है। मणिपुर में आज अगर कांग्रेस या जो भाजपा इंडिया की जो बाकी पार्टी हैं, अगर वो उनमें से किसी का सरकार, उनकी सरकार रहती, उस परिस्थिति में क्या करते। वहाँ की महिला राज्यपाल हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की, कुछ भी नहीं किया गया। इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं। मुझे इस सरकार से तो अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो महिलाओं की, दलित की, युवाओं की, किसानों की, खिलाड़ियों की, किसी की भी हितैषी नहीं है। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगी इस मंच से आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप इसका संज्ञान लें। आपको संविधान ने बहुत ताकत दी है। इस तरह के विषयों में उनका चुप रहना और आगे जो यहाँ की तानाशाही सरकार है उसको निर्देशित या नियंत्रित नहीं करना, मुझे लगता है देश के साथ अन्याय हो जाएगा। बहुत उम्मीद से खास करके झारखंड की जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ देख रही हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन होगा कि आप इसका संज्ञान लें और अपने अपने जो ताकत है, जो संवैधानिक ताकत है, उससे मणिपुर को जलने से बचाएं। सभी को पता है कि जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है, क्योंकि हर वर्ग आज के दिन कहीं ना कहीं आंदोलित है और परेशान है। अगर हम देश के जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है इस समय पर मणिपुर की बात करें, लगभग 80 से 100 दिन से वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इस बीच कितनी बार की, लेकिन मणिपुर की बात नहीं किया। जबान खोला भी तो लगभग 8 मिनट के संबोधन में 36 सेकंड का समय उन्होंने मणिपुर को दिया, जहाँ की इतने जान माल की हानि हो चुकी है। और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, आप सभी गवाह हैं, इंटरनेट बंद है, जिस कारण से चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही पूर्णतः। एक छोटी सी क्लिपिंग आई जो कि भारतवर्ष को, जहाँ की महिलाओं को माता का देवी के स्थान दिया जाता है और जहाँ की महिला आज वैश्विक पटल में अपनी पहचान बना रही है, एक प्रोग्रेसिव, एक मजबूत, एक सशक्त समाज का नेतृत्व कर रही है महिलाएँ, वहाँ पर ऐसे समय में पूरे दुनिया के पटल पे भारत को शर्मसार करने वाला वीडियो
वायरल हुआ, जिसमें कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था।